हेलो स्टूडेंट्स, एसके मैथमेटिक्स एंड रीडिंग गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम रीडिंग पढ़ाने वाले हैं जिसका टॉपिक नेम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद किसी भी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचे। जो कोचिंग भी नहीं ले पाते हैं, अच्छे वीडियो उन तक भी पहुंचे जा सके। इस घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लगातार वीडियो मिले। आज आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताने वाले हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पिछला वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए हुए थे 14 क्वेश्चन तक, ठीक है। आज 15वां क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। इसके होम स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलने के बाद मित्र बी के घर पहुंचता है। वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ते हैं और 100√2 चलने पर बाजार पहुँचता है। ए के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए तो देखिए, चलिए व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, ठीक है। बोले हम अपना माई ट्रिक लिख लेते हैं, माई ट्रिक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ राइट लेफ्ट, ठीक है। ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, ठीक है, 100 मीटर दक्षिण चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 100 मीटर चलने के बाद, फिर बाएं मुड़ता है 100 मीटर, बाएं मुड़ेगा 100 मीटर, ठीक। चलने के बाद मित्र बी घर पहुंचता है, वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाद में मित्र बी के घर पहुंचता है, वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ते हैं और 100√2 चलने पर बाजार पहुंचता है, ठीक है। देखिए मैप में देखते हैं, ये हो गया मैप, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एंटी क्लॉक वाइज क्वेश्चन में बोल रहा है कितना, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉक वाइज ये हो गया घड़ी के सुई की तरफ, ये एंटी क्लॉक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज कितना, तो 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री मुड़ता है और 100√2 चलने पर बाजार पहुंचता है। ए के घर से बाजार दूरी कितनी है या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, ठीक है, दक्षिण हो गया 100, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद मित्र बी के घर पहुंचता है। बाएं मुड़ गया तो ईस्ट हो गया 100, ठीक है, पहुंचता है। वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ते हैं, एंटी क्लॉक वाइज मुड़ते हैं 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, कितना हो गया, मुड़ते हैं 100√2, तो ये जगह 100√2, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ठीक है, बाजार पहुंचता है। अब देखिए एक के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें साउथ है 100, ईस्ट है 100 और नॉर्थ ईस्ट है 100√2, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये जो है साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट है, ठीक है, तो साउथ और ईस्ट है, तो देखिए हम साउथ
और ईस्ट लिख लेते हैं। देखिए ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए थे कि डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ कर क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ कर वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको देखिए 100 को स्क्वायर करेंगे प्लस इस 100 को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद से ये 100 का स्क्वायर हो गया कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस ये 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 20,000। अब 20,000 का वर्गमूल कितना होगा 100√2, ये किसका आ गया, तो ये हो गया साउथ और ईस्ट का, ठीक है, साउथ और ईस्ट का निकल गया हम लोग का, तो ये नॉर्थ ईस्ट बच रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एक के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, तो एक के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें, तो देखिए चलिए देखिए ये हो गया आपका साउथ ईस्ट का आ गया 100√2, ठीक है, तो ये हो गया साउथ और ईस्ट 100√2, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट 100√2, ठीक है। तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, देखिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो 45 डिग्री है, ये भी है और ये भी है। देखिए साउथ ईस्ट में आइएगा तो हो जाएगा 45 डिग्री, कितना साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में भी 100√2 है और नॉर्थ ईस्ट में भी 100√2 है। तो इसका तो मान कितना है, तो हम लोग का 20,000 आया था, तो 20,000 प्लस इसका 20,000, तो इसका कितना हो जाएगा 40,000, 40,000, इसको वर्गमूल कर, ये वर्गमूल हो गया, निकालेंगे इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 200, ठीक है, तो किसका हो गया 200 आ गया इसका। तब देखिए 200 तो आ गया मेरा, तो 200 ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि एक के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें, तो मीटर में मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मीटर तो आ गया, लेकिन ये देखिए मीटर आ गया तो इसको कैसे हमको पता होगा इसका कौन सा दिशा में है, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, साउथ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। तो ये जब 200 मीटर आ गया तो आप लोग बताए थे कि डिफरेंट डायरेक्शन साउथ और ईस्ट में ये डिफरेंट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इसमें कॉमन देखेंगे कि इसमें साउथ में ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में कॉमन कौन है, तो इसमें कॉमन कौन है, ईस्ट है, ठीक है, तो लिख लेते हैं कॉमन, कॉमन होगा तो उसी को निकालेंगे, निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ईस्ट 200 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए होम स्क्रीन पे, एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब में जाने के बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर आगे गया, उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर तक आगे गया, बताएं ये कि प्रेम अपने प्रारंभिक स्थान से अब न्यूनतम कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद से देखिए, चलिए ये फिर से एक बार देख लीजिए, मैप में दर्शा रहे हैं आप लोगों को, एक मैप बना लेते हैं पहले, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब में जाने के बाद, 5 किलोमीटर पूरब गया, 5 किलोमीटर पूरब गया बाद 45 डिग्री दाएं मुड़कर दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर आगे गया, ठीक है, दाएं ये ईस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है, इस दाएं मुड़ेगा कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री ये हो गया दाएं मुड़ा, तो ये हो जाएगा साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट में 4 किलोमीटर दाएं मुड़ गया तो 4 किलोमीटर जा रहा है, साउथ और ईस्ट में 4 किलोमीटर आ गया, उसके बाद वो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर तक आगे गया, फिर इसके बाद दाएं मुड़ रहा है, ठीक है,
साउथ ईस्ट के बाद फिर दाएं मुड़ेगा 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री मुड़ रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर गया, तो ये हो जाएगा क्या, तो साउथ और वेस्ट, तो जगह साउथ और वेस्ट 3 किलोमीटर। ठीक है, स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया। बताएं कि प्रेम अपने प्रारंभिक स्थान से अब न्यूनतम कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया है। अब देखिए साउथ और ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो देखिए इसको हम पहले आप लोगों को, ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट भी और साउथ वेस्ट भी, तो इसको क्या करते हैं हम, पहले इसको यहाँ साउथ और ईस्ट 4 को स्क्वायर करते हैं, फिर साउथ वेस्ट को 3 को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, जोड़ लेंगे, तो ये हो जाए 4 चौका 16 प्लस 3 3 का 9, ये हो जाएगा वर्गमूल 25, रूट में वर्गमूल निकालेंगे इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 5 हो गया, तो ईस्ट मेरा 5 है, और ये क्या है, आप लोग पिछले क्वेश्चन में जो कि आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि जो कॉमन होगा साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में वही लेंगे, तो कॉमन इसमें कौन है, तो साउथ है, साउथ है, तो साउथ ले लिए 5। तो देखिए ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ, तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, देखिए डिफरेंट में रहेगा तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिफरेंट में रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, अपोजिट में रहेगा तो घटाएंगे, और सेम में रहेगा तो उसको प्लस करेंगे, तो देखिए इसको भी स्क्वायर करेंगे प्लस 5, तो हो जाएगा 25 प्लस 25, तो रूट अंडर 50, तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 5√2। तो देखिए इसका तो आ गया, लेकिन ये क्या है, तो साउथ और ईस्ट में दिशा पूछ रहा है इसमें, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब में जाने के बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर आगे गया, उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर तक आगे गया, तब बताएं कि प्रेम अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर और कौन सा दिशा में है। तो देखिए साउथ और ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट का क्या हो जाएगा, तो दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इतना 5√2 दिशा में है, इसका दक्षिण और पूर्व में आंसर आ गया 5√2।